प्रेगनेंसी कंसीव करने का ये एक लक्षण बहुत सारी महिलाओं में पाया गया है या पाया जाता है। ये एक लक्षण कई महिलाओं में जो है देखने को मिलता है वो है ब्राउन डिस्चार्ज। ब्राउन डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का एक अर्ली सिम्टम्स माना जाता है। ब्राउन डिस्चार्ज किस केस में आपको दिखेगा, ब्राउन डिस्चार्ज क्यों दिखेगा, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, बहुत सारी महिलाओं को अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो ब्राउन डिस्चार्ज उनको दिखता है। अगर बहुत सारी महिलाओं को जैसे कि थायराइड है, पीसीओडी है, इररेगुलर पीरियड के प्रॉब्लम्स है जो कि ट्रीटमेंट वो पहले से ले रही हैं इन सब चीज़ों की, इसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है उनके अंदर, सेम अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो क्या होता है कि पीरियड डेट से पहले या फिर पीरियड डेट के दिनों में ही उनको ब्राउन डिस्चार्ज सिम्टम्स महसूस होते हैं। ये ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है कि थोड़े बहुत क्रैम्पिंग के साथ आपको आए, आपको लगे कि मे बी ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, तो ये ब्राउन डिस्चार्ज इन केसेस में आपको दिख सकता है। ब्राउन डिस्चार्ज के साथ बिल्कुल थोड़ा सा क्रैम्पिंग होना या फिर क्रैम्पिंग महसूस नहीं होगा। तो अगर नॉर्मल डेज में आपको ब्राउन डिस्चार्ज नहीं हुआ करता था, ब्राउन डिस्चार्ज आपने कभी पहले महसूस नहीं किया है और ट्राई करने के बाद, कंसीव करने के बाद आपको ये ब्राउन डिस्चार्ज जो है फील हो रहा है, सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं ब्राउन डिस्चार्ज के, तो कहीं ना कहीं ये कंसीव हो चुका है ये बताता है। खासकर ये सिम्टम्स उन महिलाओं को दिखता है जैसे कि जिन महिलाओं को पीसीओडी है, इररेगुलर पीरियड्स हैं, उन महिलाओं को ये ब्राउन डिस्चार्ज आ सकते हैं। अब ये ब्राउन डिस्चार्ज 1 से 2 दिन भी हो सकते हैं। अब अगर आपको ऐसा लगता है, और ये भी हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक है जिसके कारण भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज आ रहे हैं, और ब्राउन डिस्चार्ज के साथ आपको पेट में बहुत ज़्यादा अगर दर्द हो रहा है, पेट में कमर में आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, फीवर है, चक्कर आने की समस्या हो रही है, आपको थकान, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ओर इशारा है। और अगर आपको ये सारे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स भी आपको महसूस हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, अपने प्रेगनेंसी के बारे में अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है कि हाँ, क्या ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या फिर अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, और अगर प्रेगनेंसी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया है तो फिर भी डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट के ज़रिए गर्भ को पक्का करेंगे, आपकी देखरेख करेंगे, बच्चे को अच्छे से अच्छी ग्रोथ मिले, डेवलपमेंट मिले, उसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसलिए अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो एक तो सबसे पहले आपको डेट मिस हो चुका है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद आपको ब्राउन डिस्चार्ज के बाद अगर आपको पॉजिटिव आया है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई महिलाओं को ब्राउन डिस्चार्ज और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक लग रहा होगा, लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में आपको स्पॉटिंग होगा। आपको ब्लीडिंग के स्पॉटिंग्स यानी अगर बात करें तो ब्लीडिंग के छींटे आपको महसूस होंगी, लेकिन ब्राउन डिस्चार्ज जैसे कि नॉर्मल डिस्चार्ज वाइट डिस्चार्ज होता है उसको ब्राउन कलर में उसकी ब्लीडिंग आप समझ लो, तो ब्राउन डिस्चार्ज वो हुआ। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एंड ब्राउन डिस्चार्ज में थोड़ा सा फ़र्क है, तो उस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखना कि हाँ, ये ब्राउन डिस्चार्ज है और इसके साथ अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। और अगर आपने कंसीव कर लिया है, ब्राउन डिस्चार्ज अगर प्रेगनेंसी का सिम्टम्स आपको बता रहा है, तब भी आपको अपने ट्रीटमेंट आगे लेने के लिए डॉक्टर से, आगे की जर्नी के लिए आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाएँ। धन्यवाद।